रेत पे निकलने ये रेत पे कटने वो तो ट्रक पे बहने पर चढ़ने के बाद ये देखे जी आज हम आए हैं दूल्हा के घर दूल्हा के घर दूल्हा गांव में आए हैं जी। ये खूबसूरत व्यू है इस गांव का। ये साथ से जो है ना एक नाला गुजरता है जिसे कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई दूल्हा कढ़ाई ये तो मुनासिबत रखता है ना। ये कढ़ाई कढ़ाई जो है ना नाले का नाम है। अच्छा इसके मुनासबत गाँव भी है लेकिन वो पीछे है। ये अभी जो है ना ये जो नाला गुजर है ये कढ़ाई का नाला है। अच्छा और कढ़ाई गांव से निकल के आ रहा है। ये जो है साइड पे नहीं है दूल्हा गांव। अच्छा ये दूल्हा है ये अभी हम इंशाल्लाह गाड़ी की स्पीड अप करते हैं। बेकारी गांव है। ये गाड़ी अभी खड़ी है वरना यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वो बेकारी है। बेकारी वो आगे कुआं पे शवा लिखा हुआ है। अच्छा वो देखें जहाँ पे गाड़ी खड़ी है उसके पीछे जो है एक कुआं आप शफा शफा यहाँ पे मैं खुद आता रहूँ सर। यहाँ पे कुआं है जी। ये सपादी में अगर चले तो इस साइड पे ये बिल्कुल मैं बहुत अरसा हो गया छोटा सा था तो बात है। अच्छा तो चरकान जिन लोगों को होता था ना वो पानी इसका पीते थे आके नहाते थे ठीक हो जाते। ये साथ है ये तो नहीं 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 वो उधर अंदर है जो दरख्त नहीं थे मैंने आपको दिखाए हैं उन दरख्तों में। उधर बड़ा निज़ाम है पूरा दुकानें वगैरह स्टॉल लगे हुए हैं ऊपर खाने बने हुए हैं लोगों के नहाने के लिए बढ़िया लोग आते हैं वहाँ पे। तो हम जो है ना अपने गांव से यहाँ पे चल के आया करते थे। अच्छा ये बड़ा फासला होता था कम से कम 3-4 घंटे वहाँ से लगते थे हमें चल के आते हुए। तो यहाँ पे आते थे
अगर सुबह आए ना तो रात को तकरीबन 9-10 बजे आप वापस पहुँचते हैं। सुबह सवेरे निकले और इतना बस जी जी चल के आपको पैदल फिर इतना टाइम लगेगा।